नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने का रोड मैप तैयार कर लिया है। प्लान के तहत पीएम मोदी का सितंबर से हर महीने 3 कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री प्रदेश में विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के बाद यात्राएं शुरू करने पर सहमति बनी। इसके तहत 6 क्षेत्रों से अलग अलग यात्राएं शुरू होंगी। इसके जरिए हर क्षेत्र में होने वाली एक सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कई केंद्रीय मंत्री लोगों को संबोधित कर सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने 2022 का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। बस अब तैयारी है जमीन पर उतरने की। सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इन सालों में उसने जनता तक पहुंचने की कोशिश की है, जनता से जुड़े हर काम किए हैं, लेकिन अब मामला चुनाव का है, मुद्दा चुनाव का है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगातार कोशिश की जा रही है कि इन चुनावों को भुनाने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में हर महीने करीब 3 रैलियां कर सकते हैं, 3 कार्यक्रमों को संबोधित कर सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में, उसे बढ़ाने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। प्लान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सितंबर से हर महीने 3 कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री प्रदेश में विकास की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सकते हैं। ऐसे में एक बैठक की गई थी। कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी स्थिति का जायजा लिया गया, उसके बाद ही ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की है। इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने जा रही है। इससे पहले 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की थी। सीएम योगी ने लाभार्थियों को बधाई दी। लाभार्थियों ने योगी को बताया कि गैस कनेक्शन ना होने से पहले उन्हें किस तरह खाना बनाना पड़ता था। लाभार्थियों ने लकड़ी से खाना बनाते वक्त उससे होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया है। तो यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी ने लाभार्थियों से बातचीत की है, उनकी क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से उन्हें लाभ मिला है पहले चरण में, वो तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2.0 का आगाज किया था और उसकी बार ये उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। खुद योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के महा घोटाले का आरोप लगाया। बेगम हजरत महल पार्क के सामने आम आदमी पार्टी के अमित त्यागी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जल जीवन मिशन में महा घोटाले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। कार्यकर्ता मटका फोड़कर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। अमित त्यागी कहते हैं कि जल शक्ति मंत्री के करोड़ों के घोटाले के खिलाफ जांच नहीं बैठाते हैं तो इस घोटाले के खिलाफ न्यायालय भी जाएंगे और आगे ये प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा हो सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, लखनऊ की तस्वीरें हैं और इसी कार्रवाई के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने की मांग लगातार की जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार इसका प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और मटका फोड़ो ये प्रदर्शन लगातार देखा जा सकता है। लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रही है उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये समझ सकते हैं हम कि चुनाव का मौका है, ऐसे में सरकार को घेरने का या सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन ये मामला किस तरह से है?
जी बिल्कुल, सबसे पहले बता दूं अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत करी है और आज लखनऊ में जल जीवन मिशन या ये कह सकते हैं महाघोटाले के नाम से आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने का पूरी तरीके से आज इन्होंने मटका कोड़ यहाँ पे इलाका है बेगम हजर महल पार्क के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया है। काफी इनका यही कहना था सारे पूरे मामले में कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से जो कहती है या कथनी और करनी में काफी समानताएं नहीं दिख रही है और कार्यकर्ता जो थे साथ में मटका लिए हुए थे यानी कि उन्होंने चौराहों पर जाके मटका को फोड़ा है। तो अब ऐसे भी कहा जा सकता है कि चुनावी बिसात बिछ चुकी है, सरगर्मियां जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और आम आदमी पार्टी हो या फिर ये कह सकते हैं विपक्ष कोई भी ऐसा आरोप नहीं छोड़ना चाहती सरकार को जो अभी सत्ता में बैठी हुई है सरकार बीजेपी को कि वो ये मौका नहीं देना चाहती है कि इस तरीके से कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है या सरकार ने जो कहा था वो अभी तक वो पूरी तरीके से उस पर खरी नहीं उतरी है। रूबी, लेकिन ये जो पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत महाघोटाला किया गया है, इसमें सच्चाई है या सिर्फ चुनाव है इसी वजह से आम आदमी पार्टी से मुद्दा बना रही है? निश्चित तौर पे पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि चुनाव की जो अब सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और मौका या ये कह सकते हैं मौके की तलाश में विपक्ष जरूर रहता है और ऐसे में ये एक इनके लिए जरूर मौका मिला है अपनी भड़ास को निकालने के लिए या ये कह सकते हैं कि सरकार पे उंगली उठाने के लिए। अब वो मौका चाहे तिरंगा यात्रा के जरिए हो या ये कह सकते हैं कि मटका फोड़ प्रदर्शन के जरिए हो। हाल ही में अभी विधानसभा जब शुरुआत हुई थी तब भी इसी तरीके से ही कई तस्वीरें निकल के आई थी, विधानसभा के सामने भी धरने दिए गए थे और ठेला और सब्जी और सिलेंडर को लेकर मांगे उठाई गई थी कि सरकार की तरफ से कई नाकामियां गिनाई गई। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है विपक्ष जो है या ये कह सकते हैं कि सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहती है कि वो सफल रही इस 5 सालों में। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो रूबी आम आदमी पार्टी जो है अपने आप को काफी ज्यादा सक्रिय उत्तर प्रदेश में करना चाह रही है और यहाँ पर तमाम जो आप नेता हैं वो बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान सामने आया है? देखिए, सरकार तो किसी भी कारण बचाओ कोई ऐसा कोई बात ही नहीं करना चाहती है क्योंकि सरकार का तो सीधा ये कहना है कि हमने जो काम किए यानी कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उससे जो भी सवालिया निशान लगा रहे पहले वो अपने कार्यकाल को देखे। अब चाहे भाई उसका ये कहना है कि केंद्र में हो या फिर ये कह सकते हैं यूपी में हो, इनके जो सरकारें हैं उनके जो कार्यकाल है वो निश्चित तौर पर बेहतर चल रही है। अब अगर विपक्ष इस पे हाय हल्ला कर रहा है तो वो अपनी नाकामियों को यानी कि प्रदर्शन जो कर रहा है वो अपने बारे में दिखा रहा है। हालांकि इस मसले में अभी पार्टी की तरफ से कहीं से कोई बयान नहीं आया है। आम आदमी पार्टी ने आज इस तरीके से जगह जगह पे यहाँ पे अपना प्रदर्शन जरूर दिखाया है। हाल ही में नेतृत्व किया था संजय सिंह ने तिरंगा यात्रा के जरिए, उस पर भी उन्होंने काफी कुछ सरकार पे मुझे निशान लगवाया था और अब आज यहाँ के जो जल शक्ति मंत्री है महेंद्र सिंह इसके ऊपर भी उन्होंने घोटालों में शामिल होने का एक्शन लेने की मांग करी है। यानी कि कार्यकर्ता हो या फिर ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेतृत्व पार्टी जो कर रहे हो वो सब अब इस मूड में आ चुके हैं कि अब मौका कम बचा है यानी कि समय बहुत कम बचा है और सरकार की जो गलतियां हैं या सरकार की जो नाकामियां हैं उनको गिनाने के लिए। चलिए ठीक है रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के। तो जल जीवन मिशन में महाघोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है। आप कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ से तस्वीरें सामने आई जहां पर मटका फोड़कर ये प्रदर्शन किया गया है। साथ ही कहा गया है कि जिस तरह से हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना प्रदेश सरकार ने बनाई थी वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और अब खबर गाजियाबाद से जहां विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर बदलाव हुआ है। बदलाव होने के बाद सचिव के पद पर ब्रजेश कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही लोगों की समस्याओं का निस्तांतरण भी किया जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में उनका काम नहीं होगा वो आकर मुझसे मिले, उनका काम तीव्रता से करवाया जाएगा। साथ ही गाजियाबाद में किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होने देंगे, अगर कोई भी अवैध निर्माणकर्ता या करवाता मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण में सचिव पद पर बदलाव हुआ है। ब्रजेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया, इसके बाद से ही लगातार वो मीडिया से रूबरू हुए और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी की कोई भी समस्या है जो गाजियाबाद का निवासी है वो मुझसे आके मिल सकता है, उसकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा।
गाजियाबाद से ये खबर सामने आई, जहां पर विकास प्राधिकरण में सचिव पद पर बदलाव हुआ है और यहां पर ब्रजेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया। और अब खबर कासगंज से है, जहां पुलिस की राइफल लूटने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान महिला समेत तीन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने पवन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पुलिस से लूटी गई राइफल को भी बरामद कर लिया गया है। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं बता दें कि घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। कासगंज का यह पूरा मामला, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। तो पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है कि बदमाशों का जो आतंक लगातार बना हुआ है, उनका खात्मा किया जाए, उस आतंक को खत्म किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बदमाश जो हैं, वो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वक्त रहते पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। कासगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस की राइफल लूटने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान महिला समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। तो पुलिस को कामयाबी मिली है, पुलिस ने पवन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही लूटी गई राइफल्स भी बरामद कर ली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही बता दें कि घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी जल्द दिया जाएगा। तो कासगंज का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल ये वही बदमाश थे जो कुछ दिनों पहले पुलिस की राइफल लूटकर फरार हो गए। पुलिस लगातार इनकी तलाशी कर रही थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मुठभेड़ में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इनके पास से जो राइफल्स थी वो भी बरामद कर ली गई है। कासगंज का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये सभी बदमाश जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए, इसमें एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हो गया है। दरअसल पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इस लूट को इन्होंने अंजाम दिया था। और कासगंज से मेरे सहयोगी अनुज गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने दिन पहले इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था और कैसे पुलिस ने तत्परता दिखाई? आपको बता दें, कासगंज के जिले में मंगलवार देर रात मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, मुठभेड़ में पिछले दिनों सिपाही पर हमला कर राइफल और कारतूस छीनने वालों आरोपी पवन पुत्र श्याम भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसमें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी के पास से छीनी गई राइफल बरामद हुई है। बता दें कि 18 अगस्त देर रात करीब 3 बजे सदर कोतवाली क्षेत्र के होंडा CRV सवार बदमाशों ने कुछ कासुन सोरो रोड में अंजन स्टोर को शटर काट कर चोरी का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान बाद कोबरा पर तैनात सिपाही मौके पर पहुंचे थे। बदमाशों को टोका था, जिससे के बाद बदमाशों ने कोबरा सिपाही पर हमला बोलते हुए सिपाही ये बताया जा रहा है कि इस पूरी जो पूरा गैंग था बदमाशों का, इसमें महिला भी शामिल थी। हाँ जी, हाँ, एक महिला भी शामिल थी। पुलिस ने किस तरह से पूरी प्लानिंग की, क्योंकि कई दिनों पहले ही इस लूट को अंजाम दिया गया, पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी। कहाँ मुठभेड़ हुई है, किस जगह पर हुई है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको हेलो अनुज, मेरी आवाज मिल पा रही है? मुठभेड़ तो अनुज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधेंगे। फिलहाल के लिए इनका शुक्रिया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, कासगंज का ये पूरा मामला है। कुछ दिनों पहले ही बदमाशों ने राइफल चोरी कर ली थी और राइफल चोरी कर जो बदमाश है वो फरार हो गए थे। राइफल पुलिस की बताई जा रही है, तब से ही लगातार घेराबंदी की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी और आखिरकार ये जो बदमाश हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
फरुखाबाद में डीसीएम और बलेरो की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बलेरो सवार दो महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई, तो वहीं हादसे में 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बलेरो के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद चालक डीसीएम छोड़कर मौके से फरार हो गया। बता दें कि हादसे का शिकार हुए लोग एटा से रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से घर लौट रहे थे। वहीं थाना मेरापुर और मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों का जायजा लिया है और बताया कि आरोपी चालक मौके से फरार है, लेकिन डीसीएम को कब्जे में कर लिया गया है और मामले की शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। तो फरुखाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां पर डीसीएम और बलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फरुखाबाद का एक पूरा मामला, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने के लिए मिला, तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। ये एक परिवार के लोग दो गाड़ियों से गए हुए थे, उस परिवार के रिलेशन में किसी की मृत्यु हो गई थी, उसमें एक डीसीएम और एक बोलेरो, ये दो गाड़ियां आपस में एक्सीडेंट कर गई, जिसकी वजह से बोलेरो सवार कई लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति की, एक महिला की जो काफ़ी एजेड थी, बुजुर्ग थी, उनकी तत्काल थोड़ी देर बाद मृत्यु हो गई। बाकी घायलों को यहाँ लोहिया हॉस्पिटल लाया गया है, इनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति और काफ़ी सीरियस है, गंभीर है, बाकी सबका इलाज चल रहा है। वहीं जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए दो लुटेरों को एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि लुटेरों ने 18 अगस्त को युवक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। पूरा मामला थाना सिरसा कलार गांव अभेदपुर पुलिया का है, तो वहीं पकड़े गए लुटेरों के पास से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। जालौन का एक पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने अवैध हथियार भी जब्त कर लिए हैं। दरअसल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और जो बदमाश हैं, जो लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाते हुए जो पुलिस प्रशासन है नजर आ रहा है। ये थाना सिरसा कलार में अभेदेपुर है, उस पुलिया पर 18-8 को और एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र में 17-8 को, इमिलिया रोड बोलते हैं। ये मोटरसाइकिल सवार दो लोग, ये लगातार दोनों घटनाएं हुई थी और पहली घटना में एक मोबाइल और 3,000 रुपया गायब हुआ था, दूसरी घटना में भी मोबाइल और कुछ पैसे गायब हुए थे। हमारी कोतवाली टीम, सिरसा कलार की टीम और एसओजी को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, तो ये दोनों लूट करने वाले पकड़े गए हैं। ये जाकिर खां और गुड्डू पुत्र भगवत खां बगरा थाना माधोगढ़ का है और अजय जाटव उर्फ कारीगर, ये भी बगरा थाना माधोगढ़ का है और बहुत तेजी से ये लगातार अपराध कर रहे थे। इसको गिरफ्तारी में जो है 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद छुरी, 2 अदद मोबाइल, जो लूटा गया था मोबाइल वो दोनों बरामद किया है पुलिस ने, और 1 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, UP 92AE 9028 और 1,000 रुपये नगद, बहुत से पैसे इन्होंने खर्च कर दिया। सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र देहरादून रोड का ये पूरा मामला है, जहां गोदाम में चोरी के वाहन कटने का काम चल रहा था, जिसके सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम ने गोदाम पर छापेमारी की, जिसके बाद गाड़ियों का अवैध कटान करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि यहाँ काफी लंबे समय से गाड़ियों के अवैध कटान होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी सिटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई भी लगातार करती हुई नजर आ रही है, तो एसपी सिटी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल यहां पर गाड़ियां कटा करती थी, गाड़ियों का अवैध तरीके से कटान किया जाता था और दूसरी जगह पर पार्ट्स बदलकर बेच दिया जाता था। सहारनपुर का एक पूरा मामला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं।
सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र देहरादून रोड का एक पूरा मामला, जहां गोदाम में चोरी के वाहन कटने का काम चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम ने गोदाम पर छापेमारी की, जिसके बाद गाड़ियों का अवैध कटान करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि यहां लंबे समय से गाड़ियों के अवैध कटान होने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी सिटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वही मथुरा में हत्या और लूट के मामलों को लेकर पुलिस कितनी संजीदा है, ये तो पुलिस की नाकामयाबी ही बता रही है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और पुलिस उन पर नकेल नहीं कस पा रही। बता दें कि पुलिस ने ना तो प्रधान के भाई के हत्यारों को गिरफ्तार किया और ना ही शहर के बीचों बीच हुई 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा कर सकी है। इससे साफ देखा जा सकता है कि पुलिस बढ़ते क्राइम पर लगाम लगाने में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। तो बदमाशों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं है, अपराधों के बाद भी बेखौफ बदमाश घूमते हुए नजर आते हैं। 19 तारीख को मेरा छोटा भाई हरिओ, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया, 3 लोगों को 302 के तहत, 201, 302 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उन लोगों में से 3 लोगों को पकड़ लिया पुलिस ने, लेकिन बाहुबल के धन के बल के प्रयोग के द्वारा, राजनीतिक पहुंच के द्वारा उन लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद कप्तान साहब को कई बार अवगत करा चुके हैं, सीओ साहब, एसओ साहब बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमको बार बार धमकियां मिल रही हैं उन लोगों से। जाते हैं हम, कहते हैं क्या उखाड़ लिया तुमने, हमारा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे हम, हमारी बहुत ऊँची पहुँचे हैं। इस तरीके से हमारे साथ ये घटनाएँ हो रही हैं। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम पूरे परिवार से कुछ ही भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, हम अपनी आत्महत्या भी कर सकते हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जन्माष्टमी के बाद सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। आज जो योगेश प्रधान जी हैं नगला नेता के, उनके छोटे भाई हरिओम की हत्या हुई 18 जुलाई को, उसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है। इसमें ताराचंद गोस्वामी जी, सभी प्रधान संगठन के अध्यक्ष, सभी प्रधान, काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें जो योगेश की हत्या में जो नेम्ड मुलजिम हैं, पुलिस उनको दोषी मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने अधिकारियों से बात की कि इनकी जो दुश्मनी थी, इन्होंने नेम्ड FIR की, लेकिन आप उनको दोषी मानने को तैयार नहीं है। जब तक हम उनको दोषी मानेंगे तब तक आप लोग जो दोषी हैं उसमें दूध का दूध पानी का पानी। हम लोगों ने कप्तान साहब से भी, SPCP साहब से, CO साहब से, इंस्पेक्टर साहब से सबसे बात की कि हम लोग जो पीड़ित परिवार है उसमें दोषी मानना है उनको, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं तो दोषी कौन है? उसमें जो दोषी हैं जिन्होंने इतनी निर्मम तरीके से एक हाथ काटा गया, गुप्त अंग काटे गए, अनगिनत चोट उसके सर में और पूरी बॉडी में आई हैं, तो उसमें इतना निर्मम हत्या करने वाला कौन व्यक्ति है, उसको तत्काल पुलिस पकड़ के गिरफ्तार करे। हमारा मुद्दा तो सीधा सीधा है, अभी प्रधान जी ने भी कहा, जो पीड़ित पक्ष हैं हमारे मुकेश अग्रवाल जी, उन्होंने भी यही कहा। हम तो ये कहते हैं जो योगी जी कहते हैं उस काम को कर क्यों नहीं रहे हैं? योगी जी बार बार ये कहते हैं कि अपराधियों की जगह अंदर है, फिर बाहर क्यों घूम रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर निश्चित रूप से शासन प्रशासन की बू आ रही है। कहीं ना कहीं ये लोग मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग चाहे वो किसी भी ढंग से दबाव में आ रहे हों, लेकिन जब जनता चाहती है और जनता ही इनको बैठाती है, जनता यदि चाहेगी तो अभी कुछ समय रह गया इनको सड़क पे लाने का, ये समय आ चुका है, या तो ये अपने सूझबूझ से काम लें। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।